ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं लगातार शिक्षा के नाम पर लोगों को लूटने में लगी हुई है। फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया और कई घरों में जाकर अभिभावकों के दर्द को जानने की भी कोशिश की। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षा के नाम पर शिक्षण संस्थाएं लोगों को लूटने में लगी हुई है। मनमानी फीस बढ़ाकर किस तरह वो लोगों की जेब पर जो है डाका डाल रहे हैं, यह जानने के लिए हम विद्याधर नगर में एक परिवार के घर पहुंच चुके हैं और वहां ये जायजा लेंगे कि किस तरह जो बेतहाशा फीस बढ़ रही है उनसे उनके घर का बजट प्रभावित हो रहा है। संदीप चौधरी विद्याधर नगर में एक फ्लैट में रहते हैं। संदीप प्रॉपर्टी का काम करते हैं। पत्नी रेनू चौधरी सरकारी स्कूल में टीचर है। इनके भी दोनों बच्चे उत्कृष्ट और उन्नति प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सालाना स्कूल पढ़ाई का खर्चा 1.5 लाख रुपया बैठता है और संदीप की इनकम सालाना करीब 4 लाख रुपया है, यानी उनकी 40% इनकम की राशि बच्चों की स्टडी पर ही खर्च हो रही है। हमारे जैसे दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, उन दोनों की हमारी एनुअल इनकम है करीब 3.5-4 लाख रुपए और उनकी दोनों की फीस और खर्चा स्कूल का मिला के आप ये मान लो 1.5-2 लाख रुपए हो जाते हैं। तो उसमें फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी परिवार में कोई बीमार और हो और कोई पारिवारिक अन्य दायित्व भी होते हैं, उन पर भी खर्चा करना पड़ता है, सेविंग्स की भी फ्यूचर के लिए करनी पड़ती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। ये बहुत एक मेजर पोर्शन है जो फीस में चला जाता है। इसके लिए इस फीस पे कोई कंट्रोल होना चाहिए और ताकि लोग स्मूथली अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें। रेनू चौधरी का कहना है कि फीस तो जैसे तैसे मैनेज कर ली जाती है, लेकिन कभी एनुअल फीस, कभी ट्यूशन फीस, तो कभी ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ऐसे में घर पर कोई या फिर रिश्तेदारी या फंक्शन आ जाता है तो नौबत पैसे उधार लेने की आ जाती है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को इससे कोई वास्ता नहीं है। उन्हें तो बस नए नए तरीके से पैसे वसूलने आते हैं, लिहाजा अब तो लगाम लगनी ही चाहिए। ये हो रखा है कि वो फीस बढ़ाते जा रहे हैं, फीस में भी वो ट्यूशन फीस है, उसके अलावा कभी एक्टिविटी फीस हो जाती हैं, कभी उनकी और वर्कशीट फीस भी हो जाती है, इसके अलावा एक जो ट्रांसपोर्ट का उनका होता है स्कूल्स का, जैसे मैंने बच्चे को डाल रखा है तो 5th क्लास तक इसकी एग्ज़ाम नहीं होती है, 10 महीने ये स्कूल जाता है, लेकिन ऑटो वाले 11 महीने की फ़ीस लेते हैं। अभी कल आज ही बच्चे को बोला है कि नेक्स्ट मंथ की फ़ीस, जिसमें मई में बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो भी कह रहे हैं कि 2 महीने की फ़ीस अभी जमा करवानी है आप। तो ये परिवार भी शिक्षा के नाम पर मची हुई लूट को लेकर बेहद प्रभावित है। कमाई का आधा पैसा बच्चों की शिक्षा पर जो लग रहा है, लिहाजा घर का बजट कैसे चलाते होंगे, ये सोच सोच कर हैरान परेशान हो जाते हैं। बात औलाद को बेहतर तालीम देने की हो तो हर माँ बाप जो है अपनी जमा पूंजी और भरसक मेहनत करते हुए पैसा खर्च करने में जुट जाता है और इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं ये प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं। हर परिजन चाहता है कि अब लगाम कसी जाए, जो हद है वो पार करते जा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार और शिक्षा विभाग किस हद तक इन परिजनों की जो गुहार है उस पर को जो है कड़ा फैसला लेती है। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अभिभावक भले ही महंगी शिक्षा का रोना रो रहे हो, पाई पाई इकट्ठा करके औलाद की परवरिश में लगा रहे हो, लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को इससे कोई वास्ता नहीं है। उनके दिल और दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि कैसे नए नए तरीके और फॉर्मूले इजाद किए जाएं और पैसा वसूला जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश डांगी की रिपोर्ट।